Hello to my all CBSE board class 11 student. Today I am going to read the third part of the story, The Portrait of a Lady, which was written by Khushwant Singh. So next I am going to read line wise. So student, listen very carefully, okay? When I went up to university, I was given a room of my own. So author Khushwant Singh ne is line ke dwara bola, मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो मुझे खुद का एक घर दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. मेरा और मेरे दादी के बीच में जो दोस्ती था और इस दोस्ती का जो एक कॉमन लिंक था वो एक रूम था. बट दूसरा घर पाने के बाद क्या हुआ ना, ये जो कॉमन लिंक है ये टोटली ख़त्म हो गया मेरे दादी के साथ. एक्चुअली दादी अलग से घर में रहना शुरू कर दिया और मैं भी अलग से घर में रहना शुरू कर दिया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन. सो मेरा जो दादी है इस सेपरेशन को, एक्चुअली उसकी जो पोता है उसके साथ अलग हो जाना, इस बात को उसने बिना कुछ कहे मन ही मन मान लिया. उसने कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया इसके लिए, क्योंकि दादी जो है दादी का उम्र हो गई थी इसलिए उसने कुछ नहीं बोला. सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. सो जब दादी अलग हो गई तब दादी क्या करती थी ना, तब दादी को एक सदमा लगा. सो इसीलिए दादी ज़्यादा वक्त किसी के साथ बात नहीं करती थी एंड जो उसका जो चरखा है उस चरखे के पास ज़्यादा वक्त बिताती थी एंड किसी के साथ ज़्यादा बात भी नहीं करना वो चाहती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग. सूरज उठने से सूरज डूबने तक वो अपनी चरखा के पास बैठ कर रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड प्रेयर्स करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज. शाम के वक्त जब वो चिड़िया को खिलाती थी तब वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड करती थी. व्हाइल सी सैट इन द बरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. दादी जब बरांडा पर बैठती थी जो उनके पास जो रोटी रहता था उनका वो छोटा छोटा टुकड़ा करती थी. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर. हजारों के जो पंछियाँ है वो दादी के पास आ जाती थी. क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरूपिंग्स. सचमुच वो जोर जोर से आवाज़ करती थी. सम केम एंड पार्च्ड ऑन हर लेग्स. कुछ आकर उसकी पैरों पर बैठ जाती थी. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स. कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती थी. सम इवन सैट ऑन हर हेड. कुछ तो उसकी सिर पर बैठ जाती थी. सी स्माइल्ड. वो हंसती थी. बट नेवर शूट देम अवे. बट कभी भी उन सब पंछियों को नहीं भगाती थी. इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. सो ये जो वक्त था, एक्चुअली दिन का ये जो आधा घंटा था, ये दादी के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुहूर्त होता था. When I decided to go abroad for further studies, so author ने इस लाइन के द्वारा बोला, जब मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने का डिसीजन लिया, सो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. सो ऑथर को पता था उसका जो दादी है वो सुनकर थोड़ा नाखुश होंगे. आई वुड बी अवे फॉर 5 years. मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. एंड दादी का जो उम्र हुआ है उस उम्र में कब क्या होगा किसी को नहीं पता. एक्चुअली ऑथर ने बोला 5 साल बाद मैं जब लौट कर आऊँगी तब पता नहीं दादी को देख पाऊँगी या नहीं. बट माई ग्रैंड मदर कुड. बट मेरा जो दादी है उसको सब पता था. एक्चुअली जो लोग रिलीजियस होता है, जो लोग धार्मिक होता है और ज़्यादा वक्त जो प्रेयर कर बिताता है तो उन लोगों को सब कुछ आगे पता होता है क्या होने वाला है. एक्चुअली वो लोग थोड़ा फ्यूचर देख पाता है. तो ऑथर का जो दादी है उस दादी को भी सब कुछ पता था आगे क्या होने वाला है. तो इसीलिए ऑथर ने इस बात को बोला. सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. मेरी जो दादी है वो सेंटिमेंटल नहीं हुई. सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन. रेल स्टेशन तक वो मुझे छोड़ने के लिए आई. बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन. बट कुछ भी इमोशन मेरे प्रति नहीं दिखाया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर.
होंठों पे प्रेयर कर रही थी, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। प्रेयर करते करते उसका जो मन है वो लॉस्ट, एक्चुअली वो खो गया था प्रेयर में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजारी। सो उसके हाथ में जो जप माला था, वो फिंगर से उस जप माला का जो बीट्स है वो काउंट करते करते प्रेयर कर रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से उसने मेरा फोरहेड पे किस किया, आलिंगन किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, एंड जब मैं छोड़ के गई, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, जो भीगा हुआ जो छाप था उसको मैंने एंजॉय किया, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन आस। एक्चुअली ये जो लास्ट जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है, ये मेरे और मेरे दादी के बीच में लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था। एक्चुअली ऑथर इसने इस लाइन के द्वारा बोलना चाहा है, ऑथर फादर स्टडीज के लिए बाहर जा रहा है, तो 5 साल के बाद जब वो लौट कर आएगा तो पता नहीं क्या होगा, दादी को देख पाएगा या नहीं, ये सब क्वेश्चन ऑथर के माइंड पे चल रहा था। तो इसीलिए ऑथर ने बोला ये जो मॉइस्ट इम्प्रिंट है, ये मॉइस्ट इम्प्रिंट मेरे और दादी के बीच में लास्ट इम्प्रिंट था।